कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी बारी बदल बदल कर रहे हैं पहरेदारी। बड़वानी जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर 13 मई को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने के साथ ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। खैगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र में हुए मतदान के बाद बड़वानी जिले की चारों विधानसभा की इन मशीनों को बड़वानी एकलव्य विद्यालय परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सील करके रखा गया है। हालांकि मतदान के बाद कांग्रेसियों को डर सता रहा है कि कहीं भाजपा ईवीएम मशीनों के साथ कोई छेड़छाड़ न कर दे, इसलिए कांग्रेसी अब अनुमति लेकर स्ट्रांग रूम के सामने चौकीदारी कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रकाश बंडोले ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और हमें डर है कि कहीं ईवीएम मशीनों से छेड़खानी न हो जाए, इसलिए हम स्ट्रांग रूम के बाहर मैदान में पहरा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि खरगोन लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते ने ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने स्ट्रांग रूम में ईवीएम को नियम अनुसार सील नहीं करने और अनियमितता के आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे लेकर बड़वानी में जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने कहा कि बड़वानी जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में मतदान के पश्चात लाई गई ईवीएम मशीन नियम अनुसार सील नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ न करें, इसलिए हम स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल चार लोग हैं और बारी बारी से रात भर जागते हैं। पहले दो जागते हैं, उसके बाद दो सो जाते हैं। कुछ दिन तक हम करेंगे और फिर दूसरे लोग हमारे स्थान पर आ जाएंगे। इस तरह ईवीएम मशीन की पहरेदारी की जाएगी। देखिए, चारों विधानसभा की ईवीएम मशीन रखी है, उसकी पहरेदारी करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और 4 जून को मतगणना है, तो 3 जून की नाइट तक हम बैठेंगे, क्योंकि कल जब स्ट्रांग रूम को सील किया गया था तो जो भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार नहीं किया गया था, तो हमारे कैंडिडेट ने आरोप भी लगाए थे, आपत्ति भी ली थी। इसके बाद फिर हम लोगों ने एक लिखित में निर्वाचन आयोग और कलेक्टर महोदय के नाम आवेदन दिया और इसके बाद कलेक्टर साहब आए और वापस विधिवत रूप से स्ट्रांग रूम को सील किया, तो कल से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं।